ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2020 किया सेल्टॉस एचटीएक्स अपडेटेड मॉडल। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये बहुत सारे नए फीचर्स के साथ मिलता है जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ में आप अगर सेल्टॉस परचेज करना चाहते थे और आप इसके और भी वेरिएंट्स देखना चाहते थे तो प्लेलिस्ट ऑप्शन ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। किया के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बहुत सारे वेरिएंट्स आपको लगभग इनके रिव्यूड मिलेंगे। इसके अलावा जो लोग भी सेल्टॉस चला रहे हैं अपना जो एक्सपीरियंस वो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है और बहुत ज़रूरी रहता है आगे वाले बायर्स के लिए जो इसको ख़रीदना चाहते हैं। करंट टाइम्स को देखकर आप अपने घर से भी इसको बुक कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जो भी करंट टाइम चल रहे हैं आप वो जानते हैं तो मुझे उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठकर आप इसको परचेज कर पाओगे, टेस्ट ड्राइव ले पाओगे। फ्रंट प्रोफाइल आप इसकी देख रहे हैं जो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग है। गाड़ी आते ही हिट हो गई थी इंडियन मार्केट में, शायद इसके लुक्स की वजह से, इसके परफॉर्मेंस की वजह से। चलते हैं, पूरा जो राउंड है वो आपको मैं दे देता हूँ, पहले को ड्राइवर साइड तक, फिर इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो मैं पूरा क्लोज व्यू आपको दूंगा। बहुत ही वेल डिज़ाइंड हेडलैम्प्स आपको दिए जाते हैं। थोड़ा सा साइड में आते हैं और इसकी जो एजेस हैं वो आपको चेक करा देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना अभी कि वेल डिज़ाइंड पूरे आपको जो हेडलैम्प्स हैं, जो फ्रंट है वो देखने को मिलेगा। नीचे अपने आप फॉग लैम्प्स देख लो, LED फॉग लैम्प्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। पूरी ब्लैक एंड फिनिश आपको इधर देखने को मिल रही है। ग्रिल आप देखते हैं तो आपको इधर पूरा क्रोम बॉर्डरिंग्स और आपकी जो पियानो फिनिश ग्रिल है वो आपको प्रोवाइड करी गई है। किया की ब्रांडिंग आप देखते हैं, बहुत ही ब्रॉड सी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल रही है पियानो और क्रोम फिनिश पे। अपर पार्ट देखते हैं बोनट का, तो इधर आपको स्विगी पैटर्न्स प्रोवाइड करे गए हैं। बहुत ही ब्रॉड सा पूरा बोनट आपको देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है वो मैंने चेक करा दी है, अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको दिखाएंगे, साथ में जो इसकी की है वो चेक कराएंगे जो चेंज कर दी गई है। इधर इसकी आप जो की है वो देख सकते हो, लॉक अनलॉक और आपका जो बूट ओपनर है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। वापस रख लेते हैं की इसकी, और इसका जो कंप्लीट वन फ्रेम व्यू है वो आपको दे देते हैं। कोशिश करता हूँ हमेशा मैं आपको कि वन फ्रेम में पूरी आपको गाड़ी दिख जाए, कंप्लीट व्यू आपको मिल जाए। अब चलते हैं, इसका जो व्हील एरिया है वो आपको चेक करा देते हैं। इधर आप देखते हैं आपको जो गुड ईयर के टायर्स हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं। साइज़ है 215/60R17। इसके अलावा जो पूरी व्हील आर्च क्लैडिंग है वो आप देख सकते हो, पूरी साइड्स में पूरी जो क्लैडिंग है कैरी करी जाती है, सिल्वर टचेस भी दिए गए हैं तो साइड बॉडी भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहेगी। इसके बाद अगर आप बात करते हैं डोर लाइन की, तो यहाँ पे आपको सिल्वर जो पूरी बल्कि क्रोम जो बीडिंग है वो प्रोवाइड करी गई ब्यूटिफिकेशन के लिए। अपने ORVMs हैं वो आपको चेक करा देते हैं, तो ये आपको बॉडी कलर पे मिलते हैं, इंडिकेटर इंसर्ट हो गया, नीचे मिलती है आपको ब्लैक एंड फिनिश। उम्मीद है कि साइड प्रोफाइल पूरा आपको दिख गया होगा, पूरा आपको साइड प्रोफाइल का व्यू मिल गया होगा। अब चलते जाते हैं पीछे की तरफ और इसका जो साइड प्रोफाइल है और अभी आपको इसका जो बैक प्रोफाइल है वो भी पूरा चेक कराएंगे। इधर अपना आप जो फ्यूल इनटेक एरिया है वो आप देख सकते हो। अब ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। इधर आपकी जो सनरूफ है वो आपको प्रोवाइड करी गई, इधर अपनी आप जो सनरूफ है वो आप देख सकते हैं, जो बहुत डिमांडेड फीचर रहता है इंडियन मार्केट में। साथ में आपकी जो रूफ रेल्स हैं ये आपको बॉडी में इंसर्टेड मिलती हैं, डुअल फिनिश पे आपकी जो रूफ रेल्स हैं वो प्रोवाइड करी गई हैं। और इधर जो पूरा क्रोम एक्सटेंशन है ना, जो पूरा बीडिंग एक्सटेंशन है, यहाँ पे ब्रॉड कर दिया गया है, तो एक अच्छा सा आपको डिज़ाइन एनहांसमेंट देखने को मिलता है। अब साइड प्रोफाइल ही पूरा कवर हो गया है, जो भी रिलेटेड स्पेक्स होंगे वो सारे आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिले होंगे। इसके बाद इसका जो बैक प्रोफाइल है वो आपको चेक कराएंगे, कंप्लीट बैक प्रीव्यू आप ले लीजिए। इधर आपको जो हाई स्टॉप लैंप है, आपका जो डिफॉगर है, आपका जो रियर वाइपर है वो आप देखते हो। इसके अलावा जो आपके टेल लैंप्स हैं, लगभग आपको रैप अराउंड डिज़ाइन देखने को मिलेगा। अब जैसे आप जानते हैं किया हुंडई की फैमिली कंपनी है और यहाँ पे आपको टेल लैंप्स में हल्का सा जो पुरानी वाली आपकी क्रेटा आती थी वैसा फील आएगा, लेकिन अंदर का जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया गया है। अब आपको बताना है कि आपको ये कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता। वैसे अगर मेजॉरिटी की बात करी जाए तो लोगों को पूरी गाड़ी बहुत पसंद है, इसीलिए शायद आते ही गाड़ी सुपर हिट हो गई है। साथ में आपका जो एंटीना है वो आप देख लो, शार्क फिन एंटीना आपको प्रोवाइड किया जाता है। सेल्टॉस की ब्रांडिंग आपको मिलती है क्रोम के ऊपर और मॉडल वगैरह की ब्रांडिंग यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करी गई है। साथ में आपका जो कैमरा है वो आपको दिया गया है, रिवर्स पार्किंग कैमरा, आपके पार्किंग सेंसर्स, ये सब तो एक आप बोल सकते हैं ज़रूरी फीचर्स हो गए। उसमें से पार्किंग सेंसर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब तो गवर्नमेंट नॉर्म है पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड करना, और वो आपको इधर दिया गया है। अब इसका जो टेलगेट है आप अपनी जो की है उससे ओपन कर सकते हो,
और अंदर की जो स्पेस है वो आपको दिखा देते हैं। तो ऐसे आपको होल्ड करना है, आपका जो टेल गेट है वो ओपन हो गया है। अब इसको पुल कर लेते हैं और अंदर की जो स्पेसेस हैं वो आपको चेक कराते हैं। इधर आपका जो पार्सल ट्रे है वो आपको प्रोवाइड करा गया है, बहुत ही ब्रॉड सी पार्सल ट्रे देखने को मिलती है। साथ में पीछे आपको चंक अमाउंट ऑफ स्पेस मिलती है और इसी के साथ आपका जो बूट लैंप है वो भी प्रोवाइड करा गया है, जो आपको नाइट टाइम में काफ़ी ज़रूरी रहेगा। इसके बाद आपका जो स्पेयर टायर है वो आपको देखने को मिल रहा है, इसको अब बंद कर देते हैं और इसका जो अदर साइड है वो आपको चेक कराएंगे। जो अदर साइड है वो आपको दिखाएंगे, जो आप बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में ड्राइवर साइड। ड्राइवर साइड पूरा आप इधर अपना देख सकते हो। डोर हैंडल शायद मैं आपको दिखाना भूल गया था, ये आपको दिए गए क्रोम फिनिश के ऊपर, जो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव लगते हैं, कहीं ना कहीं क्रोम आपको लग्जरियस फील दे देता है और वो आप शायद इधर फील कर पा रहे होंगे। अब बाहर से दोस्तों काफ़ी बात कर ली है, इसका सबसे बड़ा हाईलाइट आपकी जो सनरूफ है वो आपको दी गई है और अब आपको जो इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल है वो भी आपको अब मैंडेटरी हर गाड़ी में हर मॉडल में दे दिया गया है। साथ में अब इसका जो इंटीरियर है, पहले आप देख लो कीलेस का पैच आपको दिया गया है। अंदर की जो डैशबोर्ड है, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, पूरा व्यू आप ले सकते हैं अपने डैशबोर्ड का। डुअल कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलती हैं, सिल्वर और ब्लैक फिनिश। इसके बारे में जो भी आपके थॉट्स हो आप बता सकते हो। इसके अलावा जो आपकी स्कफ प्लेट्स हैं वो आप देख लो, सेल्टॉस ब्रांडेड। अपना जो डोर है वो आप चेक कर लो, डोर पॉकेट्स हो गई, पावर विंडो कंट्रोल है, विंडो लॉक है आपका, और इधर आपके जो बोल सकते हैं कि लॉक अनलॉक बटन है, ओआरवी एडजस्टर है, वो आपको प्रोवाइड करा गया है। कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको बताना है कि आपको इसके कॉम्बिनेशंस कैसे लग रहे हैं। स्पेशली जो ये पियानो ब्लैक फिनिश है ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की लग रही है। आपको बहुत अच्छा सा एक क्वालिटी इधर फील होगा जब आप गाड़ी सामने से देखोगे और शायद आपको वीडियो के थ्रू भी फील हो रहा होगा। सीट एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं, तो इधर आपको हाइट एडजस्ट बैक एडजस्ट दोनों दिया गया है, मैनुअली आपको करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। हेडरेस्ट की बात करते हैं तो आपको ये दिए गए हैं एडजस्टेबल, जो एक ज़रूरी फीचर रहता है आपकी सेफ्टी को लेकर, एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड करे गए हैं। बाहर से दोस्तों काफ़ी बात कर ली है और बाहर से काफ़ी जो इसका लुक था, साइड प्रीव्यू था, वो पूरा आपको मैंने दे दिया आपके डैशबोर्ड का। अब चलेंगे गाड़ी के अंदर, अंदर बैठकर देखेंगे कि गाड़ी में अंदर बैठने में कैसा लगता है, अंदर कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं वो सारे आपको डिटेल में इधर पता चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट कर चलते हैं गाड़ी के अंदर। उससे पहले मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे कार्स और बाइक्स के। लेट्स गो इनसाइड और अंदर बैठकर आपसे बात करते हैं। अब दोस्तों मैं STX मॉडल के अंदर आ गया हूँ, 2020 अपडेटेड मॉडल के अंदर आ गया हूँ। इधर आप अपना जो डैशबोर्ड है वो पूरा आप कंप्लीट व्यू ले सकते हो। कोशिश हमेशा ये रहती है कि हर एक पार्ट आपको गाड़ी का अच्छे से दिख जाए, कंप्लीट इन्फो आपको मिल जाए। इधर पहले चलते हैं ऊपर की तरफ और अपर पार्ट पूरा आप देख लो। काफ़ी विथ आपको इधर मिलती है, बहुत सारी स्पेस आपको इधर प्रोवाइड करी गई है, जैसे आप चाहना वैसे यूज़ कर लेना। प्लास्टिक क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी लगती है इस गाड़ी में, बहुत अच्छी मिलती है। अपना जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आप देख लो, तो आपका आरपीएम मीटर है, टेम्परेचर है, DIS है, स्पीडोमीटर है और आपका फ्यूल गेज आपको देखने को मिल रहा है। इसकी जो व्यूइंग है, आपकी जो व्यूइंग है वो आपको काफ़ी अच्छी तगड़ी वाली मिलनी चाहिए। अंदर के जो स्पेसेस हैं वो आप देख सकते हो, हाइट कितनी शानदार वाली दी गई है आपको, बहुत आराम से अच्छे से आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाओगे वाइल ड्राइविंग। अब आप अगर एक चीज़ देखते हैं, तो पहले जब पहली बार में मैंने रिव्यू किया था, इस गाड़ी का वॉकअराउंड बनाया था, तो मैंने आपसे ये बात बोली थी कि जो ये पूरा एक ही पूरा ये फिटमेंट दिया गया, उसी में आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, ये काफ़ी एक अलग सा एक अच्छा सा फील देता है। आपके इसके बारे में क्या थॉट्स हैं वो आप बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। इसके बाद आपका जो AC वेंट है वो आप देख लो, तो डिज़ाइन आपको चेंज मिलेगी सेंटर से अगर आप कंपेयर करते हैं। सिल्वर बॉर्डरिंग्स आपको प्रोवाइड करी गई हैं। नीचे आपके सेवरल कंट्रोल्स आप देख रहे हो अपने लाइट के। स्टीयरिंग पे वापस मैं आऊँगा और इधर आपका जो वाइपर का टॉगल है वो आप देख रहे हो, इधर आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल हो गया। पीछे की तरफ आ जाते हैं तो अपनी स्टीयरिंग आप चेक कर लो, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग आपको प्रोवाइड करी गई है। सेल्टॉस की ब्रांडिंग आपको इधर भी मिलती है, किया की ब्रांडिंग जैसे आगे थी मतलब कि बोनट पे वैसे ही आपको प्रोवाइड करी गई है। इधर आपके जो मीडिया कंट्रोल्स हैं वो आपको दिए गए हैं और इधर आपका जो क्रूज कंट्रोल है, जी हाँ दोस्तों, क्रूज कंट्रोल भी आपको दिया गया और साथ में जो आपका DIS है उसका कंट्रोल भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है। मीडिया में आपका मोड है, कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट है, ट्रैक वगैरह है, वॉल्यूम वगैरह है, वो आप एडजस्ट कर पाओगे। फिलहाल अभी तो ड्राइवर साइड पूरा हो गया है, एक चीज़ रह गई है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको दी गई है। पोजिशनिंग इसकी बहुत अच्छी है, आपको पूरी इधर सिल्वर बॉर्डरिंग्स देखने को मिल रही हैं। अभी तक आपको गाड़ी कैसी लगी अपने व्यूज़ फटाफट से नीचे बता सकते हैं कि कमेंट्स में बता दीजिएगा। अब दोस्तों मैं इसका जो सेंटर है, पहले मैं कैमरा पूरा नीचे तक मूव कर लेता हूं और सेंटर का पूरा व्यू आपको दे देता हूं। इधर आप देख रहे हैं अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम,
इसके बारे में पहले भी मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। बेसिकली जो मोटिव था इस वीडियो को बनाने के लिए वो था आपको नया मॉडल, अपडेटेड मॉडल दिखाना STX, जो आप अभी मैं जिसमें बैठा हुआ हूँ, जो पूरा आपने भी एक्सटीरियर देखा है। फिर भी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ, बाकी आपको साइड्स में, शॉर्ट्स में देखने को मिलता रहेगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा सारी इन्फो के लिए, और पुराने वीडियोज भी आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप ये मेन्यू देख रहे हैं अपना, इसको हटा देता हूँ। चलिए पहले आपको जो टच है उसका आइडिया दे देता हूँ। तो इधर अपना जो परफॉर्मेंस है, जो लैग वगैरह वो आप देख लो, कोई लैग तो आपको नहीं मिलता, वो आपको इधर बिल्कुल भी फील नहीं होगा। जो भी इसके रिलेटेड फीचर्स होंगे साइड्स में, शॉर्ट्स में आपको मिलेंगे। ये जो अपनी जो बटन से देख रहे हैं, टच बटन सेटअप है, स्टार है, मीडिया है, रेडियो है, नेविगेशन है, मैप है, वॉल्यूम प्लस है, वॉल्यूम माइनस है, और पावर बटन आपको दी गई है। ऊपर आप डिस्प्ले ऑफ का ऑप्शन देख सकते हो। साथ में आपकी जो होम बटन है वो आपको प्रोवाइड करी गई है। जरूरत के लगभग सारे कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, तो इसमें कोई आपको इफ बट की जरूरत नहीं है। जरूरत का जितना भी होता है सारा आपको इधर प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो भी आपके थॉट्स हो आप नीचे कमेंट्स में बता देना। नीचे आप देखते हैं तो आपका एसी वेंट है, जो मैंने आपसे बोला था ना कि साइड से आपको डिजाइन चेंज मिलती है, वो आप इधर देख सकते हो। साइड वाले एसी वेंट से आपको डिजाइन चेंज मिलेगी। बस इधर भी आपको जो सिल्वर पूरा जो टच है वो प्रोवाइड किया गया है। हैजार्ड लाइट की बटन हो गई। और नीचे आते हैं तो आपका एसी कंट्रोल एरिया है, आपको इसमें भी ऑटोमेटिक एसी मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं ऑटो की ब्रांडिंग डिस्प्ले दिया गया है, तो जो भी आपकी फंक्शनिंग है वो पूरी आप देख पाओगे कि क्या फंक्शनिंग चल रही है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और काफी ब्रॉड सा पूरा ये इंटरफेस देखने को मिलता है। नीचे आप देखते हैं तो आपका 12 वोल्ट का सॉकेट है वो आपको दिया गया है। आपकी यूएसबी आप देख सकते हो, इधर भी आपको एक चार्जिंग यूएसबी प्रोवाइड करी गई है, ये आप देख रहे हैं। इसको मैं बंद कर देता हूँ। इधर मिलती हैं आपको कुछ कन्वीनियंस स्पेसेस, और पूरा आप इधर डिजाइन इंसर्ट्स हैं वो आप देख सकते हो। पूरा पियानो फिनिश और ये सिल्वर जो पूरा एक बोल सकते हैं कि पिलर साथ दिया गया है, परफेक्ट डिजाइन, वेल डिजाइंड पूरा सेंटर लोअर पार्ट। इधर आपका जो DRVM है उसका बटन प्रोवाइड करा गया, मतलब कि जब आप गाड़ी चलते हो तो पीछे अपना कैमरा ऑन कर सकते हो। गेयरबॉक्स आपको मिलता है, 6 फीट गेयरबॉक्स मॉडल विद रिवर्स। पूरा जो इसका रीच है वो आप देख लो, मेरी हाइट 6 फीट है, मैं आराम से बैठा हूँ। और इधर आपको पूरा पियानो फिनिश और सिल्वर बॉर्डिंग्स प्रोवाइड करी गई हैं। अब मैं पीछे आना चाहूंगा और आपका जो कप होल्डर्स हैं वो आपको चेक करा देते हैं। तो डुअल कप होल्डर्स आपको देखने को मिलते हैं। आपका जो हैंड ब्रेक है दिया गया है आपका सिल्वर बटन के साथ। आपका जो आर्मरेस्ट है ये आपको फिक्स दिया गया है, मूवेबल नहीं है। अंदर की जो स्पेसेस हैं वो आपको दिखा देते हैं, अच्छी खासी डीप स्पेसेस प्रोवाइड करी गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि आपका सेंटर था वो मैंने पूरा आपसे कवर कर दिया है। जो भी इसके रिलेटेड फीचर्स वगैरह होंगे, स्पेक्स वगैरह होंगे, साइड्स में, शॉर्ट्स में आपको देखने को मिल गए होंगे। ड्राइवर साइड भी मैंने पूरा आराम से पूरा अच्छे से आपको दिखा दिया था, और सेंटर कंसोल भी पूरा चेक करा दिया है। अब चलते हैं इसका जो को ड्राइवर साइड है, स्पेसेस दिखा देते हैं। तो अंदर आपको डीप ग्लव बॉक्स दिया गया है, जैसे आप चाहना वैसे यूज कर लेना। और इधर आपको कोई भी लाइट या मेरे को अभी इधर कोई भी बोल सकते हैं कि बोलते हैं कूलिंग जो वेंट है वो नहीं मिलता, तो मेरे हिसाब से नॉर्मल ग्लव बॉक्स आपको प्रोवाइड किया गया है। बाकी ऊपर आपको इधर स्टिच फिनिश देखने को मिल रही है। चेक कर लेते हैं वैनिटी के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, को ड्राइवर साइड वैनिटी दिया गया है, ड्राइवर साइड आपको वैनिटी नहीं मिलता है। इसके अलावा इधर आप देख सकते हो तो आपका जो सेपरेटली स्विचेबल आपके केबिन लैंप्स हैं वो प्रोवाइड करे गए, और आपका जो सनरूफ कंट्रोल है वो आप देखते हो। साथ में जो आपका सनग्लास होल्डर है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। अब इधर अपनी आप जो सनरूफ है वो आप चेक कर सकते हैं। बाहर से मैंने पूरी आपको दिखा दी थी, अंदर से भी पूरा व्यू आप ले सकते हो। अब दोस्तों इधर फ्रंट पूरा कवर हो गया है, मतलब ड्राइवर को ड्राइवर से है, डैशबोर्ड से है, सारे फीचर स्पेक्स मैंने आपको बता दिए हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश होगी। बस आपसे यही बोलना चाहते हैं कि चलेंगे सेकेंड रो ऑफ सीट में, वहाँ चेक करेंगे कि आपको क्या चेंजेस मिलते हैं इस नए मॉडल में, इस अपडेटेड मॉडल में। इसके अलावा आप किसी और गाड़ी का भी अगर डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो तो आप कमेंट्स में अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकते हो, उसको भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। इस दोस्तों गाड़ी में आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है ये आपको बताना है, आपके व्यूज जानना काफी इंटरेस्टिंग रहता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में, और पीछे बैठकर आपसे आराम से बात करते हैं। ये दोस्तों आप देख रहे हैं STX मॉडल की रियर सीटिंग, जो अपडेटेड मॉडल है, 2020 मॉडल है। रियर सीटिंग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं इसके हेडरेस्ट के लिए, जो आपको एडजस्टेबल दिए गए, एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी सेफ्टी को लेकर। आपका जो आर्मरेस्ट है वो आपको प्रोवाइड करा गया है। अब इधर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, चलिए कोशिश करते हैं चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि कप होल्डर दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। तो मैं इधर कोशिश कर रहा हूँ, बहुत हार्ड प्लास्टिक है तो मुझे खोलना पड़ेगा देखने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपको कप होल्डर भी प्रोवाइड करे गए, मैं यहाँ से फील कर पा रहा हूँ, मैं पूरी प्लास्टिक नहीं हटाना चाहता हूँ इधर। इसके अलावा आपका जो डोर है वो आप देख लो, आपकी डोर पॉकेट्स हैं, पावर विंडो कंट्रोल है, आपको जो सन ब्लाइंड है वो आपको प्रोवाइड करा गया है, जो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से बहुत ज़रूरी रहता है। इसके अलावा 3 कॉम्बिनेशन जैसे फ्रंट में वो आपको मैंने बता दी हैं। स्पेशली मुझे ये पियानो फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
इधर भी आपको जो इसका फ्लैट है सेल्टॉस ब्रांडेड वो आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। बाहर से ज़रूरत की सारी बात हो गई है, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और अंदर बैठकर इसकी डिटेल्स बताएंगे आपको। तो मेरी हाइट 6 फीट है, अब यहाँ पे आप स्पेस देख लो, फिर आप आगे की स्पेस देख सकते हो, फिर आप इधर जज कर लो कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, कम्फर्टेबली बैठा हुआ हूँ। इसके बाद आपका जो बोल सकते हैं रियर एसीवेंट है, आपका जो एयर प्यूरीफायर है वो भी आपको इस मॉडल में दिया गया है। इसके अलावा आपका जो ये चार्जिंग यूएसबी है वो आपको प्रोवाइड करेगी और बगल में आपको कन्वीनियंस स्पेसेस मिलती हैं। वेंट्स आपको बहुत वाइड मिलते हैं तो पीछे जो पैसेंजर है ना उसको बहुत अच्छा लगेगा। एसी इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से रियर एसी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इंडिया में, तो उस हिसाब से ये फ़ीचर तो हैट्स ऑफ बोलने के लिए बनता है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आपका जो हम्प है ना उस पर बहुत अच्छे से काम किया है, मेरा लेग देख लो आप, तो लॉन्ग ड्राइव में बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसको यहाँ दिक्कत नहीं होगी, ये सबसे अच्छा रहता है। और हर कंपनी को हर गाड़ी में ऐसे ही प्रोवाइड करना चाहिए कि सेंटर में जो पैसेंजर बैठे उसको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आपका जो केबिन लैंप है पीछे भी आपको दिए गए, डुअल बल्ब्स आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, फ्रंट वाले आपको सेपरेटली स्विचेबल मिलते हैं। इधर आपके जो सेफ्टी हैंडल्स हैं ये आपको दिए गए हैं तीनों डोर्स पे, ड्राइवर साइड की ज़रूरत नहीं होती है, कंफर्टेबली बैठा हूँ, बड़ा अच्छा सा फीलिंग आ रहा है। साथ में अब इसका जो डैशबोर्ड है वो आपको मैं वन फ्रेम व्यू दे देता हूँ, हमेशा जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ तो डैशबोर्ड ज़रूर आपको चेक करा देता हूँ। अब दोस्तों आपको बताना है कि आपको 2020 मॉडल से और क्या क्या उम्मीदें थीं, आपको जबकि जो विश है वो फुलफ़िल हुई कि नहीं हुई, आप इसमें और क्या चीज़ें चाहते थे, क्या चेंजेस चाहते थे, आपके थॉट्स कंपनी तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं दोस्तों वीडियो ख़त्म करता हूँ, अपना सपोर्ट ऐसे बना के रखिए, आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे कार्स और बाइक्स के। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।